हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहाँ हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज की थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई में सबसे पहले हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना, और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बिरयानी। उसके बाद अक्षरों को क्रम में लगाकर शब्द बनाएंगे, वह भी खेल खेल में, और इस खेल का नाम है आगे पीछे। उसके बाद फिर वाक्यों में दी गई गलतियों को पहचान कर सुधारना सीखेंगे। गलती माफ सुधारो तो सही में। फिर एक और गेम खेलेंगे, आकाश में है क्या। फिर गणित की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे, जानो नंबर में। उसके बाद 6 से 10 तक का पहाड़ा सीखेंगे, वह भी मजेदार तरीके से। इसके लिए हम देखेंगे पहाड़ों का मजा, और अंत में पेंगुइन गेम में हम लोग सीखे गए पहाड़ों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। स्वागत है आपका थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई में। वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का। आप तैयार हैं? कैसे तैयार होना है? बस एक कॉपी और पेन ले आइए, और अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सभी को बुला लीजिए। सभी को बोलिए कि आज हम कुछ मिलकर साथ में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी से, और हिंदी के बाद हम गणित के कुछ खेल भी खेलेंगे। हिंदी में आप क्या सीखेंगे? हिंदी में आप सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे, और कहानी से संबंधित कुछ खेल खेलेंगे। खेल खेल में भाषा के बारे में और करीब से जानेंगे। शुरू करते हैं हिंदी की ये कहानी। अरे बिट्टू, तुम सुबह से नजर नहीं आ रही थी, कहाँ थी? अरे काका, बताया तो था, मेरी सहेली जो नाराज थी उसी को मनाने गई थी। बिटिया, तो मान गई तुम्हारी सहेली? हाँ हाँ, मान भी गई और उसका गुस्सा भी खत्म हो गया। वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों की बात होने लगी। लेकिन वहाँ तुम दोनों ने क्या किया? काका, आज तो नेहा के घर में दावत थी। दावत? अच्छा, ये तो बताओ कि दावत में बना क्या था? काका, दावत में तरह तरह के पकवान बने थे। अरे बिट्टू, उस पकवान का कुछ नाम भी तो होगा। उसमें एक ऐसा पकवान भी था जिसका नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिरयानी। अरे काका, आपको कैसे पता चला? अरे कहाँ चली गई? सुनती हो? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? अब तो कुछ पूछो मत, बस खिला दो। लेकिन क्या खिला दूं? मेरा पसंदीदा पकवान। अच्छा, लगता है बिट्टू तुमने बता दिया कि नेहा के यहाँ क्या खा कर आई हो। मौसी, मैंने नहीं बताया, काका ने खुद ही अंदाजा लगा लिया। अब तो तुम्हारे काका बिना खाए मानेंगे नहीं। तो ठीक है, आज शाम में बन जाएगा आपका पसंदीदा पकवान। चलो ठीक है, तब तक बिरयानी कहानी सुनकर काम चला लेते हैं। तो सुनते हैं तुम्हारे काका की कहानी जिसका नाम है बिरयानी। बिरयानी। अमीरन और जीशान को भूख लगी, लेकिन माँ तो सोई हुई थी। दोनों रसोई घर में पहुंचे। दोनों ने बर्तनों में से एक पतीला और कड़छी निकाली। अमीरन ने सभी मसालों की सूची बनाई। अमीरन ने
घी, काली मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन और प्याज निकालें। उसके बाद टमाटर, गोभी, हरी मिर्च, गर्म मसाला, नमक, दूध, काजू और किशमिश निकालने की बारी थी। अमीरन तरीका बताती गई, जीशान वैसा ही करता गया। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। माँ के साथ साथ पड़ोसी भी बिरयानी चखने के लिए उतावले थे। सबने उनकी तारीफ की, दोनों खुशी से उछलने लगे। वाह बिट्टो के काका, गजब की कहानी सुनाई, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आज बड़ी तारीफ कर रही हो कहानी की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहानी अच्छी थी और बिरयानी भी। आपको विश्वास ना हो तो बिट्टो से ही पूछ लो। हाँ काका, यह हमारी दावत वाली बिरयानी से भी अच्छी थी। कहानी अच्छी थी और बिरयानी भी अच्छी थी, तो शुरू करें क्या? सवाल जवाब किससे पूछ रहे हैं काका? किससे पूछेंगे, वो तो हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। तब तो बिट्टू की मौसी, तुम ही बता दो मेरे सवालों के जवाब। हाँ हाँ पूछिए। तो मेरा पहला सवाल है कि बिरयानी बनाने के लिए अमीरन और जीशान ने कौन से बर्तन निकाले थे? अरे ये तो बड़ा ही सीधा सवाल है। इसका जवाब यह है कि अमीरन और जीशान अपने रसोई में गए, वहाँ पर एक पतीला और कड़छी रखी थी, उसी में वे दोनों बिरयानी बनाने लगे। वाह मौसी, आपने तो कमाल कर दिया। बिट्टू एक सवाल मैं भी तुम्हारे काका से पूछती हूँ। हाँ हाँ पूछो। मेरा सवाल है कि अमीरन ने मसालों की सूची तैयार की थी, तो मसालों की सूची में कौन कौन से मसाले थे? इस सवाल का जवाब तो हमारी बिट्टू बड़ी आसानी से दे देगी, क्यों बिट्टू? क्यों नहीं काका, जरूर बता देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका जवाब तो तुम्हारे काका ही देंगे। ठीक है मैं ही बता देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी। मसालों की सूची में अदरक, प्याज, किशमिश, बादाम और वो क्या, और काजू और अब रहने भी दो, आपके बस का नहीं है ये सब। बिरयानी में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं आप नहीं बता पाएंगे। सुना बिट्टू अपने काका का जवाब? हाँ मैंने सुना मौसी, कहो तो मैं इसका सही जवाब दे दूं। हाँ बिट्टू सुना दो अपने मौसी को इसका जवाब। बस बस बिट्टू को इसका जवाब पता ही होगा, जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ वो मेरी मदद करती है। एक सवाल मैं भी पूछूं मौसी आपसे? क्यों नहीं बिट्टू बिटिया, पूछ लो, तुम्हारी मौसी कहाँ पीछे हटने वाली। हम तुम्हारे काका की तरह थोड़े ही हैं जो आधा अधूरा या गलत जवाब देंगे। कहानी में अमीरन और जीशान खुशी से क्यों उछलने लगे? अब किसी की तारीफ हो तो वो व्यक्ति तो खुश होगा ही। अमीरन और जीशान की बिरयानी खाकर पड़ोसियों ने उन दोनों की बिरयानी की खूब तारीफ की, इसलिए वो दोनों भी खुशी से उछलने लगे। एकदम सही जवाब। काका अब बहुत हो गई बातचीत, अब खेल खेलिए ना। अच्छा ये बात है, खेल का नाम है आगे पीछे। मैं एक शब्द की आवाजों को इधर उधर करके जमीन पर लिखता हूँ और तुम दोनों को उन आवाजों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब यानी कोई अर्थ हो। बिट्टू के काका मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, पहले एक उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है पहले खेल देखते हैं और साथ में खेलते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए खेल शुरू करते हैं आगे पीछे। अब इस खेल में आपको क्या करना है? इस खेल में हमें कुछ अक्षर दिखाई देंगे, उन्हें आगे पीछे करके
हमें सही शब्द बताना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? धारू दू। दू को आगे करके देखते हैं। दू धारू, हाँ शायद ये शब्द होता है। देखते हैं सही करके। ये लिखा हुआ है क्या? रकूल, रकूल, कूल, रकूल, रकूल, रकूल। अरे ये तो कूलर है, र को सबसे पीछे डालना है। हाँ इसको देखते हैं क्या ये सही है। रदचा, रदचा क्या होगा? द को आगे करते हैं पहले। थोड़ा जल्दी करना होगा, समय भी टिक टिक कर रहा है। दरचा तो कुछ भी नहीं होता है, पर चादर तो होता है। चा आगे करेंगे। हाँ अरे ये बन गया हमारा शब्द। ये देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? द नफ, द नफ कुछ भी नहीं होता है। नफद, नफद भी कुछ नहीं होता है। फ को आगे करते हैं। अरे ये दफन ही था जो बीच में आ गया था। हाँ द को आगे करते हैं। हाँ अभी देखते हैं ये सही होगा। रीपोखो, पड़ीखो, पड़ीखो तो कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं री और खो की जगह आपस में बदल दूं तो हो जाएगा खोपड़ी। हाँ खो को सबसे आगे करना है। सबसे आगे लगाया, प को बीच में लगाया। हाँ अब हो गया खोपड़ी। ये सही है शायद, देखते हैं। देखा, अब ये है लालजी। लालजी तो अपने आप में भी सही लिखा हुआ है। हाँ थोड़ा सा समय और चाहिए। ओह ये तो गलत है। तो क्या लिखा होगा ये? जी लाल, नहीं ललाजी हो नहीं सकता। जी लला हो नहीं सकता। फिर ये क्या लिखा हुआ है? चलिए जी को आगे करके देखते हैं। जी लजी, लजी, अरे ला को पीछे कर देते हैं। जी लाल, ये कुछ होता है क्या? देखते हैं क्या ये सही है। ये भी गलत है। लजीला, ल को सबसे आगे करके देखते हैं। इसको देखते हैं। ओ ये लिखा हुआ था सही। अब ये ल क्या लिखा हुआ है? आगे चलते हैं। खेतली, लिखती, ली, ली को आगे करके देखते हैं। ओ लिखित, हाँ ये ही सही है। देखते हैं। अब ये है नाशानी। और नाशानी क्या हो सकता है? नानीशा, नहीं। नी को सबसे आगे कर देते हैं। नी नाशा कुछ भी, फिर भी शायद हो सकता है। देखते हैं एक बार कहीं सही है। ये तो गलत है। निशाना, अरे हाँ शा को बीच में करना है। बस थोड़ा सा टाइम और, ये सही होगा। देखा, अब है हरज। हरज तो शायद सही लिखा है। इसको देखते हैं क्या ये सही है। ओह ये तो गलत है। रजह, रजह कुछ नहीं होता है। जहर, अरे हाँ ये जहर लिखा हुआ है। ज को आगे कर देते हैं। जहर है ये, अभी देखते हैं। अरे वाह, अब ये लिखा है कन्नज। कन्नज क्या होता है? च को बीच में करके देखते हैं। कंचन, अरे हाँ यही सही है शायद। अरे वाह मैंने तो काफी सारे शब्द बना लिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? खी को आगे करके देखते हैं, सबसे आगे। खीरच, रखीच, खीरच, इसको चेक करते हैं एक बार क्या ये सही है।
ओह ये तो गलत निकला। अब हमें क्या करना होगा? चौकू आगे करते हैं, चौकू सबसे आगे कर देते हैं। चौक खीर कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जल्दी करना पड़ेगा। र को बीच में करते हैं, बस ये वाला शब्द सही हो जाए। अरे बन गया, ये चरखी है। ये लिखा हुआ है कलच। ल चौको। अरे हाँ, क को सबसे पीछे करना है। आप देखते हैं क्या ये सही है। अब ये क्या लिखा है, नालड़। नालड़ भी तो एक शब्द है, मत लड़ो इसका मतलब है। इसको देखते हैं क्या ये सही है। अरे ये तो गलत है। तो लड़ना। अरे हाँ, ना को सबसे पीछे करना है, ये सही है। इसको देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, पेलटा। टा पेल। पेटाल। टाल पे नहीं, लटा पे नहीं, लपेटा। अरे हाँ, ये लपेटा है। ल को सबसे आगे, ल को सबसे आगे। अब ये सही हो गया, देख लेते हैं एक बार। अब ये क्या लिखा हुआ है, जमर। जमर तो कुछ भी नहीं होता है। रजम। अरे कोई बात नहीं, चलते हैं अब इस खेल के बाहर। बिट्टू के काका, ये खेल तो बहुत ही अच्छा है बच्चों को ठीक और सही शब्द सिखाने के लिए। अक्सर जो बच्चे शब्दों को लिखने में गड़बड़ी करते हैं, उनके लिए तो खेल बहुत ही फायदेमंद है। बस शब्दों को ध्यान से देखो और आगे पीछे करके ठीक कर दो। हाँ ठीक कहती हो बिट्टू की मौसी। हमने ये खेल पहली बार खेला तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब शब्दों को आगे पीछे किया तो ऐसा शब्द बना जिसका कुछ मतलब भी था। अच्छा, यानी जिन शब्दों का कोई मतलब होता है वे सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों का कोई मतलब या अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। बिटिया, पहले सार्थक शब्दों के बारे में तो ठीक से समझ लेने दो, फिर निरर्थक शब्दों के बारे में समझा देना। काका, जब तक हम निरर्थक शब्दों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम सार्थक शब्दों के बारे में कैसे जानेंगे। मान लो अगर हमारे पास एक शब्द है जकाग, तो काका मौसी क्या आप इसका सही मतलब बता सकते हैं? नहीं बिटिया, हमने तो कभी नहीं सुना ये शब्द। ये शब्द तो हमारे लिए बिल्कुल नया है। आप ही बताओ बिट्टू के काका। अरे ये कौन सा शब्द हुआ, बिट्टू की मौसी, हमने तो कभी सुना ही नहीं ये शब्द, बिल्कुल अनोखा लगता है। बिट्टू अब तुम ही बता दो इस शब्द का मतलब क्या है। काका, ये निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे जकात। और अगर हम इनके अक्षरों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो ऐसे शब्द बन जाएंगे जिनका कोई मतलब होता है। जैसे जकाक के वर्णों को इधर उधर करके कागज बना सकते हैं। अब समझ में आया आप दोनों को? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल समझ गए। ले कजा हुआ एक निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और अगर हम इसके अक्षरों को थोड़ा आगे पीछे कर दें तो इस शब्द का मतलब होगा कलेजा। कलेजा हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा भी है। क्यों बिट्टू, मैंने ठीक कहा ना? अरे वाह काका, आज आप लोगों के साथ ये खेल खेल कर तो मजा ही आ गया। तो देखा आप लोगों ने कितना मजेदार था ये खेल। आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही अक्षरों को आगे पीछे करके कुछ सार्थक शब्द बनाने की कोशिश कीजिए और मजा लीजिए। अब कुछ और खेलते हैं। पहले आप बताओ खेलना है।
हाँ हाँ क्यों नहीं खेलेंगे बिट्टू, तुम खेल तो शुरू करो। ठीक है, खेल का नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। तो खेल शुरू करते हैं गलती माफ सुधारो तो सही। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। जाहिर है कुछ गलतियाँ होंगी और जिनको सुधारना होगा। तो चलिए खेल शुरू करें। तो ये वाक्य की गलतियाँ हैं। तो ऊपर लिखा भी हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में गलतियाँ हैं उन्हें सुधारें। तो वाक्य है, गांव में बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। ये पहला लाइन तो ठीक ही है, बहुत, और दूसरे लाइन में बहुत, हाँ ये बहुत गलत लिखा हुआ है दूसरे लाइन में। इसको देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं। हाँ अरे ये भी छूट ही गया। तो गांव में बहुत बड़ा बगीचा है, ये एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। हाँ पहला वाला ही। अब देखते हैं, पिताजी बगीचे से ढेर सारे फूल लिए हैं, फूलों सा हम माला बनाएंगे। फूलों से हम माला बनाएंगे, हाँ तो दूसरे वाक्य में से गलत लिखा हुआ है। इसको देखती हूँ, ये चौथा वाला है। हाँ अब देखती हूँ क्या ये सही है। अरे हर बार एक गलती छूट जाती है। तो पहले वाक्य में लिए देखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा बहुत सारे फूल लाए हैं होगा, तो ये दूसरे नंबर पर लाइन लिखा हुआ है, ये सही है। हाँ अब देखते हो क्या ये सही है। वाकई ये खेल भी बहुत ही मजेदार है, हम सब बोल चाल में कभी कभी गलतियाँ करते रहते हैं। हाँ ये तो है, जब हम बोलते हैं तो बहुत से शब्दों को हम यूं ही बोल देते हैं। अगर बिट्टू के काका की बात करें तो वो हर वक्त बोलने में गलतियाँ करते हैं, है ना बिट्टू? मौसी मुझे तो लगता है कि क्यों बिट्टू रुक क्यों गई? अरे बता दो तुम्हारे काका बोलने में किस तरह की गलतियाँ करते हैं। रहने दो, मुझे पता है कौन बोलने में गलतियाँ करता है। हाँ लेकिन छोड़ो ना इस बात को मौसी और काका। अच्छा तो इसका मतलब मेरे बोलने में गलतियाँ होती हैं? नहीं मौसी, मैंने ऐसा कब कहा। अब रहने भी दो बिट्टू, तुम्हारी मौसी तो यूं ही नाराज हो रही है। मैं क्यों नाराज हूँ? नाराज तो वो हूँ जिनको बोलने में ज्यादा दिक्कत होती है। मुझे समझाने की बजाय अपने काका को समझाओ जो बात बात पर गलतियाँ करते हैं। याद नहीं पिछली बार वाली घटना? ओहो बिट्टू की मौसी, अब क्यों गढ़े मुर्दे उखाड़ने में लगी हो? क्या मतलब मौसी? मैं बताती हूँ, एक बार जब तुम्हारे चाचा चूल्हा जला रहे थे तभी जोर से बोले आग लग गई है और चूल्हे में कहना भूल गए। बस क्या था, जैसे ही तुम्हारे काका ने ये बोला सभी पड़ोसी बाल्टी में पानी लेकर घर की तरफ दौड़ पड़े और बोले कहाँ आग लग गई, कहाँ आग लग गई। आगे क्या हुआ होगा बिट्टू अब तुम खुद ही समझ गई होंगी। काका की बात। सच में आग लग गई थी। अरे बिट्टू तुम भी ना अपनी मौसी की बातों में आ गई। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है बिट्टू, अब तुम्हारी मौसी जो कहे कहती रहे। कोई बात नहीं काका, आप दोनों की बातें तो मुझे हमेशा पसंद आती हैं। आज तो खेल में मजा ही आ गया, क्यों बिट्टू तुम क्या कहती हो? हाँ मौसी, मेरा तो मन है अभी एक खेल और खेल लिया जाए, क्या कहते हैं काका और मौसी? मैं तो राजी हूँ, बस अपने काका से हाँ करवा लो। खेल खेलने के लिए तो मैं तैयार हूँ बिट्टू, पर खेलना कौन सा खेल है? रोज आप खेल खिलाते हो, आज मैं आप दोनों को नया खेल बताती हूँ, बड़ा ही मजा आएगा। मैंने कल ही यह खेल खेला था। तो बिट्टू देरी किस बात की, शुरू करो अपना खेल। उससे पहले आप दोनों ये वीडियो देख लो जिससे आपको खेलने में आसानी होगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब जल्दी से दिखाओ वीडियो। ये लो काका और मौसी, देखो खेल और फिर खेलो खेल। आकाश में है क्या?
आपकी खेल का क्या नाम है? आकाश में है क्या? चलो बच्चों, हम लोग एक बार आकाश में देखते हैं, आकाश में है क्या? सबने आकाश में देखा ना, आकाश में क्या है? जी। आप बताओ आकाश में क्या देखा? एक बैठे बैठे बेटा, सूरज। सूरज, आप बताओ आपने क्या देखा? आकाश में बादल। आप बताओ बेटा आपने क्या देखा आकाश में? आकाश में मैंने सूरज देखा। बहुत अच्छे, शाबाश। आप बताओ बेटा आपने आकाश में क्या देखा? आकाश में मैंने बादल देखा। बहुत अच्छे, शाबाश। आप बताओ आकाश में आपने क्या देखा? आकाश में हमने चिड़िया देखी। गुड। आकाश में आपने क्या देखा? हमने आकाश में काला बादल देखा। अरे वाह, आपने बहुत सारी चीजें देखी आकाश में। आप अपने लिए सभी लोग एक बार तालियां बजाएंगे। क्यों बिट्टू की मौसी, तुमने क्या क्या देखा आकाश में? हम तो बहुत कुछ देखते हैं आकाश में, तारे, बादल, सूरज, बिजली और चांद। इतना सब कुछ तो है आकाश में। क्या बिट्टू की मौसी, इससे ज्यादा तो हमारी बिट्टू ही बता देगी। क्यों बिट्टू? हाँ काका। बिट्टू जब कह ही रही हो तो अभी बताओ। क्यों नहीं मौसी, आकाश में चिड़ियाँ, पतंग, जहाज। शाबाश बिट्टू, शाबाश। ये तो कोई बात नहीं हुई, आकाश में चांद, सूरज और तारे होते हैं, फिर ये पतंग और हवाई जहाज कहाँ से आ गए? बिट्टू अपनी मौसी को समझाओ, मैं कहूँगा तो कहेंगी बहुत बोलते हो जी। मौसी, मैंने जो बताया वो सब तो आकाश में उड़ते हुए ही दिखाई देते हैं, तो हो ही ना ये सभी चीजें भी आकाश में दिखाई देने वाली। मान लिया बिट्टू और बिट्टू के काका। तो देखा आपने किस प्रकार मौसी बिट्टू ने आकाश में दिखने वाली चीजों के नाम बता दिए। आप भी घर में दिखाई देने वाली चीजों के नाम अपने घर के सदस्यों को बताएं और उसकी एक सूची बनाएं। कैसी लगी कहानी आपको? पसंद आई? भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, और खेल भी कितने रोमांचक थे। चलिए अब वक्त हो गया गणित की ओर जाने का। गणित से अब डरना मना है। क्यों? क्योंकि गणित अब हम खेल खेल में सीखेंगे। देखिए आज हम गणित के जो खेल खेलेंगे उससे आप गणित के बारे में कुछ नया जानेंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल हो, तभी तो जो नई नई अच्छी अच्छी बातें आप सीखेंगे वो अपनी कॉपी में नोट कर पाएंगे। चलिए गणित के कुछ खेल देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खेल में जिसका नाम है जानो नंबर। इसमें आपको नंबर के बारे में काफी सारी जानकारी मिलेगी। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस सब के बारे में पता है? नहीं पता है? कोई नहीं, अब आप सब जान जाओगे। चलिए देखते हैं इस खेल में क्या क्या हम नया सीखेंगे। सबसे पहले 10 से 99 वाली संख्या खेलते हैं, आज इसी का अभ्यास करेंगे। नंबर पहचानो। यहाँ पे हमें नंबर पहचानना है, तो यहाँ पे कुछ इकाइयाँ दी हुई हैं और कुछ दहाइयाँ दी हुई हैं। गिनिए कितनी दहाई है? एक दहाई। और कितनी इकाई है? तीन इकाई। तो एक दहाई और तीन इकाई मिलकर हुआ एक और तीन, यानी 13। तो 13 कहाँ लिखा हुआ है? देखते हैं क्या क्या विकल्प दिए हुए हैं। 91, 3, 98, 5, 13, ये रहा 13। चलिए हम पहचान गए हैं। देखते हैं सवाल सही हुआ कि नहीं। अरे वाह, 13। नंबर पहचानो। इस खेल में इस बार तीन दहाई दी हुई हैं। गिन लीजिए, 1, 2, 3, तीन दहाई। और कितनी इकाई दी हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुआ 3 दहाई यानी 30। फिर हर इकाई के लिए एक नंबर आगे बढ़ेंगे,
30, 31, 32, 33, 34, 35, यानी 35 क्लिक करना है। देखते हैं विकल्प क्या क्या दिए हैं। 9, 51, 8, 35, 35। देखते हैं आंसर ठीक हुआ कि नहीं। अरे वाह, 35। नंबर पहचानो। इस बार कितनी दहाई दी हुई है? दहाई से गिनना चालू करते हैं। 10, 20, 30, 40। 40 तक तो हम ऐसे पहुंच गए। अब हर इकाई के लिए एक अंक बढ़ाते जाइए। 41, 42, 43, 44 और 45। पहला ही विकल्प है 45। यही सही आंसर है। देखना चाहेंगे? अरे वाह, 45। नंबर पहचानो। ये तो बड़ा आसान लग रहा है। 10, 20, 30। 30 के बाद एक इकाई और, तो 31। यहाँ पे विकल्प क्या क्या दिए हैं? 67, 46, 3, 4, 2, 9, 21, नहीं 21 नहीं 31, 7, 31। ये आखिरी वाला 31 है। ये सही है। क्यों दोस्तों, लग रहा है कि हमने सही किया है? चलिए लॉक कर देते हैं। अरे वाह, 31। नंबर पहचानो। यहाँ पर कितनी दहाई दी हैं? 2, 10 और फिर 20। 20 के बाद हर एक इकाई के लिए एक नंबर आगे बढ़ाना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 आखिरी विकल्प है। यही सही आंसर होगा। करके देखें। अरे वाह, 26। नंबर बनाओ। 51। 51 बनाना है। 51 में एक इकाई और 5 दहाई होंगी। ठीक है, तो इकाई के कॉलम में हम एक एक इकाई की गेंद डालेंगे और दहाई के नीचे हम 5 दहाई की गेंद डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हुआ 5 दहाई और एक इकाई, यानी 51। ठीक है। अरे वाह, नंबर पहचानो। इस बार तो ये अच्छे से लगा कर दी हैं। गिनना भी बड़ा आसान है। कितनी दहाई हैं? 10, 20, 30, 40, 50। 50 के आगे इकाई के लिए बढ़ाते हैं। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। 56 आना चाहिए आंसर हमारा। चलिए 56 ढूंढते हैं कहाँ दिया है। ये रहा 56, लगा देते हैं। अरे वाह, 56। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको दहाई और इकाई के बारे में अच्छे से पता लग गया ना? चलिए अब सोचिए कि 64 में कितनी दहाई और कितनी इकाई होती हैं, और अगर आपको इसी तरह से 64 बनाना होता तो दहाई की आप कितनी गेंदे डालते और इकाई की आप कितनी गेंदे डालते। इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए और अपने मम्मी पापा को बताइए। 1917 में रूस में गृहयुद्ध के दौरान तमाम स्कूल एकदम तहस नहस हो गए थे। तबाही के बाद में स्कूलों में कोई भी शिक्षण के संसाधन नहीं बचे थे, तो वहाँ कुछ बहुत ही इनोवेटिव टीचर्स ने पहाड़े सीखने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला। इसमें केवल हाथों की 10 उंगलियाँ इस्तेमाल होती हैं और आप 6 से 10 तक के पहाड़े सीख सकते हैं। अब ये लीजिए, ये मेरे दोनों हाथ हैं और हाथ की जो उंगलियां हैं उन पे मेरे नंबर लिखे हैं। ये मेरी छोटी उंगली है नंबर 6, ये रिंग फिंगर है नंबर 7, ये मध्य उंगली है नंबर 8 और ये है तर्जनी उंगली नंबर 9 और अंगूठा नंबर 10। इसी तरह से दाएं हाथ के जो उंगलियां हैं उन पर भी मैंने अंक लिखे हैं।
अब ये हैं मेरे दोनों हाथ और उन पे 6 से 10 तक की उंगलियां। अब इसके अंदर एक नियम है कि जो उंगलियां जुड़ी हैं और उसके नीचे वाली उंगलियां वो सब 10 होंगी और जो स्वतंत्र फ्री उंगलियां हैं वो हर एक का मूल्य 1 होगा। अब हम देखेंगे कि 6 को 6 से गुणा करके देखेंगे तो हम 6 वाली दोनों उंगलियां 7 लाते हैं, दोनों का मूल्य 10-10 है तो इन दोनों का मान हो गया 20। और ऊपर आपको देख रहे हैं कि 4 बाएं हाथ की उंगलियां, 4 दाएं हाथ की उंगलियां, तो 4 गुना 4 हो गया 16, 16 प्लस 20 हो गया 36, यानी 6 गुना 6 हो गया 36। अब इसके बाद देखेंगे 6 गुना 7 कितना होता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि 10 वाली उंगलियां 3 हैं तो इनका मूल हो गया 30 और बाएं हाथ में 4 फ्री उंगलियां हैं, दाएं हाथ में 3 फ्री उंगलियां हैं, तो 4 गुणा 3 हो गए 12, यानी 30 प्लस 12 का योग हो गया 42 और 6 इंटू 7 का गुणा हो गया 42। अब 6 इंटू 8 को देखते हैं तो 10 वाली उंगलियां 4 हैं तो इनका मूल हो गया 40 और ऊपर की जो 1 के मूल वाली उंगलियां हैं 4 गुणा 2 यानी 8, 40 प्लस 8 हो गया 48, 6 इंटू 8 हो गए 48। अब 6 गुणा 9, अब नीचे की उंगलियां 10 वाली वो है 5 यानी 50 और ऊपर 4 गुणा 1 यानी 1 4, अब 50 प्लस 4 हो गए 54, 6 गुणा 9 हो गए 54। अब 6 गुणा 10, अब आप देख रहे हैं कि जो दो उंगलियां मिली हैं वो 10 और नीचे 4 हैं, यानी कुल 60 हो गई। ऊपर एक तरफ 4 उंगलियां पर दूसरे हाथ में कोई भी फ्री उंगली नहीं है, तो 4 गुणा 0 इज इक्वल टू 0 यानी 6 गुणा 10 इज इक्वल टू 60। अब 7 गुणा 7, नीचे 4 उंगलियां हैं 40 और ऊपर हो गई 3 बाएं हाथ की 3 दाएं हाथ की, 3 गुणा 3 हो गई 9 यानी 40 प्लस 9 हो गई 49, 7 × 7 49 हो गया। अब 7 गुणा 8 देखते हैं, देखिए 5 उंगलियां 10 वाली है 50, 3 गुणा 2 हो गए 6, इसका मतलब 56 हो गया। अब देखिए 7 × 9, 10 वाली उंगलियां 6 हो गई 60 और 3 गुणा हो गया 3, 7 गुणा 9 हो गए 63। अब देखते हैं 7 गुणा 10, 10 वाली उंगलियों का 7 उंगलियां हैं, हर एक का मान 10 है, 70 हो गई। ऊपर एक तरफ 3 उंगलियां, एक तरफ 0 उंगलियां हैं तो उनका गुणनफल 0 होगा, 7 गुणा 10 हो गए 70। अभी देखते हैं हम कि 8 गुणा 8 कितना होता है, और ये बहुत ही रोचक है। हमको दिखाई दे रहा है कि ये दो 6 उंगलियां हैं जिनका मूल हो गया 60 और 2 इंटू 2 हो गए 4, 60 प्लस 4 हो गए 64, 64 8 गुणा 9, अब यहाँ पे 2 हमको दिखाई दे रही है कि ये हो गई 7, 70, 70 2 इंटू 1 हो गया 2, 70 इंटू 2 हो गए 72, 9 गुणा 9, 10 की उंगलियां 8 हो गई तो 80, 1 गुणा 1 1 तो 80 प्लस 1 हो गया 81, 81। अब अंत में 10 गुणा 10, हम देख रहे हैं कि 10 उंगलियां नीचे हैं, हर एक का मूल्य 10 है, इसके मतलब 10 गुणा 10 हो गए 100। अब ये देखिए कितना मजेदार तरीका है कि ना कोई पेंसिल का इस्तेमाल, ना कागज का इस्तेमाल, और आप 6 से 10 तक के पहाड़े केवल अपनी उंगलियों से सीख सकते हैं। ये बहुत ही एक क्रिएटिव तरीका है पहाड़े सीखने का। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया ये गेम खेलने का जिसका नाम है पेंगुइन। इस खेल में एक पेंगुइन होता है और उस पेंगुइन को बर्फ की चोटी तक जाना होता है। याद आया? कुछ कुछ ये गेम हमने पिछले हफ्ते भी खेला था। चलिए एक बार फिर से खेलते हैं। इस गेम में आपको पहाड़ों की मदद से पेंगुइन की हेल्प करनी होगी, ठीक है? खेलते हैं ये गेम पेंगुइन। पहले आसान लेवल खेल लेते हैं, लेवल 1। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 8×9 72 5×8 40 8×8 8×16 8×2 16 8×3 24 24।
2 8 16, 9 4 9 1 9, 9 2 क्या होता है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 4 6 24. अरे टाइम अप हो गया, हमारा पेंगुइन तो घर ही नहीं पहुंच पाया। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 3 3 9, 8 9 72, 6 8 48, 2 8 16, 4 8 32, 7 5 35, 5 9 45, इस बार तो हम जीत ही जाएंगे, मैं एक के बाद एक ठीक करे जा रही हूँ। 4 6 24, 9 9, मुझे 9 9 याद नहीं आ रहा, 81, 3 7 27, ओहो फिर से टाइम अप हो गया। अब एक आखिरी बार, इस बार मैं पक्का जल्दी खेलूंगी। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 7 5 35, 7 2 14, 8 5 40, 9 7 63, 3 7 21, 4 2 8, ये तो याद है, 6 3 18, 4 8 32, 9 3 27, 3 8 24, और पहुंच गए, हम घर पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया, एक बार और खेलेंगे और इस बार जीत के दिखाएंगे। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 4 2 8, 8 6 48, 7 5 35, 9 3 9 27, 9 6 54, 8 2 16, 2 5 10, 3 3 9, 8 5 40, 8 7 56, जीत गए। भाई वाह, इस बार तो मैंने बहुत जल्दी खेला, एक बार और खेलूंगी और इस बार फिर से जीतूंगी। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 5 6 30, 3 7 27, नहीं 3 7 21, 8 2 16, 4 3 12, 7 6 42, 8 5 40, 2 6 8, 9 9 81, 6 3 18, 3 5 15, और हम जीत गए फिर से। चलो दोस्तों, मैं तो बहुत बार जीत गई, क्या आपको सारे पहाड़े याद हैं? चलिए पहाड़े याद करिए और दूसरों को भी सुनाइए, तभी अगली बार जब हम ये खेल खेलेंगे आप जीत पाओगे, ठीक है? चलो बाय बाय। आपको भी बहुत गुस्सा आता है, सबको को भी आता है। अरे नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मैं वो दीक्षा, मैं ओरेकल स्वयं सेवक हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिलचस्प कहानी। इसका शीर्षक है अक्कू हुई गुस्सा। इसे लिखा है विनायक वर्मा ने और चित्र भी उन्होंने ही बनाया है।
इसका हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश। इस कैंपेन का नाम है एक दिन एक कहानी। तो आइए चलिए देखते हैं आपको वो गुस्सा क्यों आया और अगर हमें भी इतना गुस्सा आए तो क्या करें। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी, सारे बच्चे शोर मचाने लगे बस अक्को को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद पिताजी रोज की तरह साइकिल पर उसे लेने आए और जब सूरजमुखी के खेतों से उनकी साइकिल गुजरी तो पिताजी ने बोला, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं, ये बहुत पीले हैं, इससे मेरी आंखें चौंधिया जाएगी। अक्कू चिड़चिड़ाई, वो बहुत गुस्से में थी। अक्कू देखो देखो जरा बंदरों को तो देखो, अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए देखा। छी बदमाश बंदर, छू छू जाओ भागो शू, अक्कू ने बोला। लो थोड़ी सी छाछ पी लो, अप्पा बोले। मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। ओह थोड़ी सी तो पी लो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने छाछ का एक घूट लिया। अरे ये छाछ तो बिल्कुल बुरी नहीं है, उसने सोचा। एक घूट और और ऐसा करते करते सारा गिलास खाली हो गया। लो अक्कू थोड़ा सा बड़ा खा लो, अप्पा बोले। ओफो मुझे नहीं खाना, अक्कू खींची। बस थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा है, उसने थोड़ा सा और खाया, नन्ना सा गा और ऐसे करते करते प्लेट खाली हो गई। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने बोला। अब मुझे बताओ तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। नहीं नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से गुस्से में हो। नहीं, अम्मा की वजह से। नहीं, तो क्या स्कूल में कुछ हुआ। शायद। अच्छा अक्कू ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो, अप्पा ने पूछा। ये लो एक बढ़िया सा कागज और कुछ रंग, अक्कू ने सोचा और वो चित्र बनाने लगी। अक्कू ने थोड़ा सोचा और उसने एक ईंट बनाई। ये है वो ईंट, मैं सुबह इससे टकरा कर गिर गई थी, अक्कू ने कहा। ये बहुत ही बेकार ईंट है, इससे ठोकर खा के मैं गिर गई। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा ने बोला। फिर उसने एक लड़के का चित्र बनाया। ये बिक्कू है, बहुत ही बुरा लड़का है, जब मैं गिर गई थी तो ये मुझ पे हंस रहा था। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर उसने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं गिर गई थी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई और सब हंसने लगे। और उसके बाद उसने एक कौवे की तस्वीर बना दी। उसने कहा कि ये कौवा बहुत बदमाश है, जब मेरी इडली गिरी तो ये उसे लेकर उड़ गया। अरे बहुत ही भूखा रहा होगा, अप्पा ने कहा। और अक्कू ने फिर उसके बाद अपनी एक टीचर की तस्वीर बनाई। बोली, ये मेरी टीचर है अमला मिस, जब मैं गिर गई तो इन्होंने मेरी मदद की और फिर मुझे गले लगा लिया। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटे, अक्कू ने बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो गले पर चुटकी काटने पे तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना। थोड़ी सी, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। उसके बाद अप्पा ने बताया, अरे देखो अक्कू तुमने कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं, तुम वास्तव में एक कलाकार हो, क्या तुम अपनी अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बना सकती हो। ठीक है, अक्कू बोली। उसने एक चित्र बनाया, ये एक छोटा सा सफेद चूहा है, और एक चित्र बनाया और कहा ये एक नाव है। ऐसे करते करते उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बना दिए। ये नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा, और एक कुत्ता भी बनाया और ये रहा एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे वो टकरा कर गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंस रहा था, और इडली चुराने वाले बदतमीज कौवे को भी, और तो और वो ये भी भूल गई कि वो गुस्से में थी। तो इसी तरह से अगर आप भी गुस्से में हो तो ये 10 चीजें करें। जोर जोर से हंसे और हवा में अपनी बाहें फैलाएं, उछले कूदें, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, थोड़ा पानी या छाछ पी लें, फल का एक टुकड़ा खाएं या जरा सा गुड़,
किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी ड्राइंग बनाएं या इसमें रंग भरें, मिट्टी के ढेर से खेलें, अपने गुस्से के बारे में एक गीत भी बना सकते हैं, फिर ऊंची आवाज में गाएं, बंदर की तरह नाचें। तो ये थी अक्कू और उसके भयंकर गुस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको भी कभी इतना गुस्सा आए तो ये कुछ बातें आपकी सहायता करेंगी। आइए अब साथ मिलकर थोड़ा दिमाग चलाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? पहला सवाल, इस कहानी में कौन कौन से जानवर और पक्षी की बात की गई है? दूसरा सवाल, आपको याद है अक्कू ने सूरजमुखी के फूल देखे थे? सूरजमुखी बाकी फूलों से अलग क्यों है और इसमें और क्या क्या अद्भुत खूबियां हैं? तीसरा सवाल, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी, ये शब्द आपने कहानी में भी सुने होंगे, आप मुझे इन शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? पहला शब्द खुशी, दूसरा शब्द खाली, तीसरा शब्द बदमाश, चौथा शब्द शोर। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो मुझे जरूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप घर में बैठे अक्कू के अप्पा की मूछों जैसा ये खिलौना अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली कागज, ये किसी भी आकार का हो सकता है, एक कैंची, एक टेप, पेंसिल या पेन और एक डंडी। ये डंडी आप अपने घर में पड़े सीप के झाड़ू से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कागज को इस तरह से मोड़ लें और फिर इस पर पेंसिल या पेन से मूंछ के एक तरफ को बनाएं। अब इसे दोनों कागज को इकट्ठे काट लें। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और अगर आप इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ की मूंछ बन जाएगी। आप अपने कागज को काले रंग से रंग सकते हैं, मेरे पास पहले से ही काला कागज पड़ा था। इसे लें और अपनी डंडी को लें, इसे इस मूंछ के टुकड़े को इस डंडी पर यहाँ पर ऐसे टेप के एक टुकड़े से चिपका दें। जब ये इस डंडी से चिपक जाएगा और तो आप इसे ऐसे पकड़ कर खेल सकते हैं और ले आपका खिलौना तैयार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।